नमस्ते दोस्तों, ग्रीन टिप्स एंड एडवाइस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में चर्चा करूँगा टोटल 15 स्टॉक की जो टेक्निकल आउटलुक है और इन 15 स्टॉक की जो लेवल है उस बारे में चर्चा करेंगे कि अगले दिन इन 15 स्टॉक में क्या हो सकते हैं, उसका नीचे की लेवल क्या रहेगी और ऊपर की लेवल क्या रहेगा, कहाँ तक गिर सकता है और कहाँ तक चढ़ सकते हैं। और ये 15 स्टॉक मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ग्रुप में प्रोवाइड किए हैं इन सभी स्टॉक के जो जानकारी है, जानकारी पेश करने के लिए, तो मैं उसके ऊपर चर्चा करूँगा। तो कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये वीडियो में एडुकेशन पर्पस बनाता हूँ और जो भी टेक्निकली आउटलुक जो भी लेवल यहाँ पर मैं पेश करूँगा, ये मेरे खुद के रिसर्च हैं और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स और नए सब्सक्राइबर्स और जो नए नए व्यूअर्स आएंगे, अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी लेकर ट्रेड कीजिए और अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करके ट्रेड कीजिए, ठीक है। बस मैं यहाँ पर आप लोगों को उसका जो आउटलुक है वो आउटलुक पेश करूँगा। तो हम बात कर लेंगे अभी, इससे पहले और एक बात कर लेते हैं। मेरे ग्रुप में अभी 155 से ज़्यादा मेंबर हो चुके हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे ग्रुप में 155 मेंबर हो चुके हैं और मैं खुश इसलिए नहीं हूँ कि मेरे 155 मेंबर हो चुके हैं, मैं खुश इसलिए हूँ, मैं हर वीडियो में ये बात करता हूँ कि आप लोग मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, लेकिन ये आशा मत कीजिए कि मैं आप लोगों को फ्री में टिप्स प्रोवाइड करूँगा या फिर कोई लेवल दूंगा, इस लेवल पर बाय करो सेल करो। ये जानकर भी मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो सभी मेरे ग्रुप में ऐड हो रहे हैं और इसलिए मुझे बहुत खुशी है। और सभी यहाँ पर एक दूसरे को सिखा रहे हैं, एक दूसरे को स्टॉक के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी हैं। एक दूसरे से एक लोग दूसरे सीख पाएंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को और एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे ग्रुप में किसी दूसरे वेबसाइट के लिंक या फिर वीडियो सेंड मत कीजिएगा, अगर करेंगे मैं आप लोगों को रिमूव कर दूंगा। और मैं रोज़ इस टाइम पे मैं वीडियो बनाता हूं, अगर आप लोग फ़ोन करेंगे या फिर एसएमएस भेजेंगे तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो बनाने में। तो चलिए चलते हैं, अब बात कर लेते हैं। पहले जिस स्टॉक की मैं बात करूँगा, उस स्टॉक का नाम है मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड का जो पोजिशन है, पोजिशन अभी स्ट्रांगली बाइंग पोजिशन पर है। यहाँ पर 10 डेज की क्लोजिंग प्राइस, 30 डेज की क्लोजिंग प्राइस को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हैं वे। कैंडल स्टिक की क्लोजिंग प्राइस भी, यानी स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस भी 10 डेज और 30 डेज के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है और हमें एक रेजिस्टेंस भी मिल रहा है अच्छी। और बाकी सारे इंडिकेटर जो जो मैं यूज़ करता हूँ, इससे पहले मैंने सब कुछ रिसर्च कर चुका हूँ, तो ये स्ट्रांगली बाइंग पोजिशन पर है। बस यहाँ पर हमें अब लेवल दिखना है कौन सी लेवल पर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले नीचे की तरफ लेवल बताऊंगा। अगर आप लोगों ने स्टॉक को खरीद के रखे हैं तो आप लोगों को नीचे की लेवल जो मेंटेन करना है 3235, नोट कर लीजिए। अगर 3235 के नीचे अगर सस्टेंस करते हैं तो आप लोग 3165 का लेवल देख सकते हैं नीचे की तरफ। अब हम ऊपर की तरफ लेवल डिस्कस कर लेते हैं। अगर ऊपर की तरफ 3275 की लेवल को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हैं और उसके ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हम 3300 का लेवल देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं और एक जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, कम से कम 15 मिनट 3235 के नीचे सस्टेंस करना चाहिए और कम से कम 15 मिनट 3275 में सस्टेंस करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है पीसी ज्वेलर, जिसको लेके बहुत ही हंगामा चल रहे हैं, उसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसका पोजीशन देख लेते हैं। अभी पोजीशन के बारे में चर्चा करूं तो अभी ये सेलिंग लेवल पे हैं, अभी सेलिंग पोजीशन पे ही हैं, चाहे जो भी कुछ भी कहें। अभी 90-94 या फिर 100 से नीचे गिर गया था, अब 190 तक आ चुका है, फिर भी मैं कहूंगा ये अभी सेलिंग पोजीशन पे हैं। अब देखिए 30 दिन के क्लोजिंग प्राइस और 10 डेज़ के क्लोजिंग प्राइस, ये 40 दिन की जो क्लोजिंग प्राइस है टोटल, इन सभी क्लोजिंग प्राइस के नीचे पीसी ज्वेलर क्लोज हुआ है। हालांकि नीचे की तरफ हमें एक पीबोर्ड सपोर्ट दे रहा है, लेकिन हर तरीके से अभी मुझे ये सेलिंग पोजीशन पे लग रहा है। बस हमें यहाँ पर एक जो कंडीशन मिला है वो कंडीशन क्या है, देखिए एक अच्छी कंडीशन, हमें यहाँ पर एक हैमर मिले हैं। और फ्रेंड आप लोग जानते हैं जब भी डाउन ट्रेंड में हैमर मिलते हैं तो हम एक अप ट्रेंड देखते हैं, लेकिन अब ये अप डाउन ट्रेंड कह नहीं सकते, डे के हिसाब से अब ये जो है साइड वे में चल रहा है, ना ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे, एक ही ट्रेडिंग प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं। तो हर तरीके से हमें ये सेलिंग दिख रहा है और बाकी सारे इंडिकेटर भी सेलिंग पे। चलिए फिर भी हम उसका लेवल देख लेते हैं कि हैमर
क्या वर्क करती हैं अगले दिन। उसका लेवल रहेगा फ्रेंड्स, अगर ये 185 के नीचे 15 मिनट तक सस्टेंस करते हैं तो हम नीचे की तरफ 140 का लेवल देख सकते हैं, और ऊपर की तरफ अगर ये 195 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हम 240 का लेवल देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हेमेट क्रिएट हुए हैं और अगर इसमें वापसी आते हैं तो अच्छा ये कुछ हाल आएगी। नेक्स्ट टाटा मोटर्स, हम टाटा मोटर्स के बारे में चर्चा करेंगे। टाटा मोटर्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसमें स्टार मार्क देना चाहता हूँ और इसे मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं टाटा मोटर्स को। ठीक है, तो टाटा मोटर्स के बारे में ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा, सीधा उसका लेवल देख लेंगे। टाटा मोटर्स का जो लेवल रहेगा वो है 287 रुपये के नीचे अगर सस्टेंस करते हैं तो हम नीचे 280 का लेवल देख सकते हैं, और अगर 300 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हम 304 और 310 का लेवल देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मन्नापुरम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मन्नापुरम देख लेते हैं। मन्नापुरम फ्रेंड्स ओवरऑल सेलिंग पोजीशन पे हैं, ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड है, पोजीशन भी सेलिंग पे हैं। अब हमें स्ट्रेंथ का पता कल चलेगा, अभी कि ये स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को और एक बात बताना चाहता हूँ जो आपको आपकी इस स्टॉक को ऊपर लेके जाने के लिए मदद करेगी, वो है हमारा फ्रेंड्स इस स्टॉक में भी आप लोग देख रहे हैं लास्ट का जो कैंडल है यहाँ पर एक हैमर क्रिएट हुआ है और वो भी बुलिश हैमर। अब हैमर चाहे बुलिश हो या फिर बियरिश हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर एक हैमर क्रिएट हुए, बुलिश हैमर क्रिएट हुए हैं और ये एक अच्छी बात है। अगले दिन अगर 10 डेज और 30 डेज के क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर की तरफ आराम से हम लोग एक उछाल देख सकते हैं, और कम से कम अभी 106 रुपये पर क्लोज हुआ, 115 का तो लेवल देख सकते हैं। फिर उसका लेवल हम चर्चा कर लेते हैं। अगर ये 100 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हम 95 का लेवल देख सकते हैं, और अगर ये 109 के ऊपर सस्टेंस करते हैं 15 मिनट तो हम 112 और 114 120 का लेवल देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक एस्ट्रलडम। देखिए ये स्टॉक भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। स्टॉक अभी स्ट्रांगली बाइंग पोजीशन पे है क्योंकि क्लोजिंग प्राइस जो है वो 10 डेज और 30 डेज के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है, जिस आप कह सकते हैं कि एक स्विंग ट्रेडिंग आप कह सकते हैं। अब मैं काफ़ी सारे स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स, अलग अलग स्टॉक में अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, जो सूट करते हैं वो ही मैं फॉलो करता हूँ। तो एक बिग बॉडी कैंडल यहाँ पर हुआ है बुलिश, और वो भी 30 डेज और 10 डेज के क्लोजिंग प्राइस को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हुए नीचे की तरफ हमें एक पीवोट भी सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बाकी इंडिकेटर के बारे में बात करें तो ये भी स्ट्रांगली बाइंग पोजीशन पे है, और स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स जो मैं यूज़ करता हूँ इसके साथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो कॉम्बिनेशन करता हूँ इसमें भी स्ट्रांगली बाइंग पोजीशन पे है। चलिए उसका बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल हम दोनों देख लेते हैं, मतलब नीचे की गिरावट और ऊपर की गिरावट, ऊपर की उछाल। तो इसका मैं लेवल यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर ये 178 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हम 171 और 173 की गिरावट देख सकते हैं नीचे की तरफ, और अगर ये 182 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हम 185 और 187 का लेवल देख सकते हैं। तो मैं जो भी यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ नई व्यूअर्स शायद उसको नेगलेंस करेंगे, लेकिन मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर्स हैं या फिर व्यूअर्स हैं जो हमारे मेरी वीडियो को हमेशा फॉलो करते हैं, देखते हैं और मेरे ये लेवल को फॉलो करते हैं, चाहे ट्रेड करें या ना करें, फिर भी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता मेरे बताए गए लेवल पर ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये मेरे खुद के रिचार्ज हैं। तो वो लोग जानते हैं कि लेवल कैसे वर्क करती हैं और क्या होते हैं, तो नए व्यूअर्स या फिर सब्सक्राइबर्स लिए थोड़ा सा गलत लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो पुराने सब्सक्राइबर्स या फिर व्यूअर्स हैं आप लोग थोड़ा सा डीप ले लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के बारे में अगर बात करें तो फेडरल बैंक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और इसे भी मैं स्टार देना चाहता हूँ और मुझे बहुत ही पसंद आया। फेडरल बैंक स्ट्रांगली बाइंग पोजिशन पर है, हाँ गिरावट आ सकती है कोई बात नहीं, अगर निफ्टी में गिरावट आती है या फिर बैंक सेक्टर में तो गिरावट आ ही सकती है, लेकिन टेक्निकल आउटलुक बोल रही है काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन पे है। बाकी सारे लंबी डिस्कस हम नहीं करेंगे उसमें, उसका डायरेक्ट हम जो है उछाल और गिरावट देख लेते हैं। अगर 83.50 रुपये के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हम 83 रुपये और 82 रुपये का लेवल देख सकते हैं, और अगर 85 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो 86 या फिर 88 या फिर 90 का लेवल देख सकते हैं ऊपर की तरफ, 90 के मतलब के 90 के ऊपर भी हम देख सकते हैं, फिर भी फिलहाल हम 90 को ले लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट फेडरल बैंक के बाद जस्ट डायल। ठीक है, अब जस्ट डायल बात कर लेते हैं।
जाल स्टाइल के बारे में बात करें, ट्रेंड अभी स्ट्रांगली अप ट्रेंड है, आप लोगों को पता है और आप लोग दिख भी रहे हैं चार्ट में, लेकिन पोजीशन अभी सेलिंग पे है, पोजीशन अभी सेलिंग पे है। 10 डेज और 30 डेज की क्लोजिंग प्राइस को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हुए काफ़ी लंबे समय तक अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन पोजीशन जो है वो सेलिंग पोजीशन पे है और हमें नीचे की तरफ एक रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, लेकिन अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन करते या फिर रेजिस्टेंस के नीचे गैप डाउन में ओपन होते हैं तो हम बेशक उसमें गिरावट देख सकते हैं। और भी काफ़ी सारे जो इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं, जो हमने यूज़ कर चुके हैं इससे पहले वीडियो बनाने से पहले, उसमें भी मैंने सब कुछ देख लिए थे। ठीक है, तो चलिए उसका बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वो जो गिरावट रह सकती है अगर 492 के नीचे सस्टेंस करते हैं कम से कम 15 मिनट, तो हम नीचे की तरफ 485 और 480 का लेवल देख सकते हैं, और अगर 510 के ऊपर सस्टेंस करते हैं 15 मिनट तो हम 520 और 540 का लेवल देख सकते हैं। अब देखिए, मैंने पोजीशन सेलिंग बताया, फिर भी यहाँ पर मैंने जो अप ट्रेंड वो 540 बताया, इसलिए क्योंकि ट्रेंड जो है स्ट्रांगली अप ट्रेंड है। अब पोजीशन अभी सेलिंग पे है, लेकिन स्ट्रेंथ का पता हमें अभी नहीं चल रहा, तो स्ट्रेंथ का पता तो हमें जब मार्केट चलेगा तब हमें पता चलेगा स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी स्टॉक को सिलेक्ट करने के बाद उसमें ट्रेड करने के लिए तीन चीज़ हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, मेरे पैरामीटर्स में एक तो है ट्रेंड, उसके बाद पोजीशन, उसके बाद स्ट्रेंथ, ये तीन चीज़ हमें फॉलो करना पड़ता है। और बाकी सारे जो मॉडल में यूज़ करता हूँ, जो पैरामीटर्स में यूज़ करता हूँ, उसमें टोटल 5 मेरे पैरामीटर्स हैं जो बहुत ही स्ट्रांगली वर्क करती है, तो मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहता। चलिए जांच डेल का तो मैंने यहाँ पर बात कर ली, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एपेक्स। थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं, 12 मिनट का हो चुके हैं, जल्दी कर लेते हैं अभी। अब एपेक्स के बारे में बात करेंगे, एपेक्स अभी अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में साइडवे में चल रहा है, लेकिन 10 डेज को और 30 डेज़ को ब्रेकआउट करते हुए 10 डेज़ और 30 डेज़ के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो उसका लेवल हम देख लेते हैं। एपेक्स का, एपेक्स का लेवल अगर ये 580 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हम 572 और 570 का लेवल देख सकते हैं, और अगर 595 के ऊपर सस्टेंस करते हो तो 600 और 610 का लेवल देख सकते हैं। और 5 मिनट लगेगा, 15 मिनट तो लगेगा वीडियो कंप्लीट करने में फ्रेंड्स। अब ओएल के बारे में बात कर लेते हैं, ओएल को भी मैं सेलेक्ट किए हैं, मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। चलिए उसका हम लेवल देख लेते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसको स्टार मार्क दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो उसका जो लेवल रहेगा 215 के ऊपर सस्टेंस करते हैं, नीचे सस्टेंस करते हैं तो हम 210 का लेवल देख सकते हैं, और अगर 222 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो 230 का लेवल देख सकते हैं। अब हम BEDL यानी वेदांता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वेदांता देखिए डाउन ट्रेंड में होते हुए फाइनली जाके 10 डेज़ को रीटेस्ट करते हुए 10 डेज़ के ऊपर क्लोज हुआ है, और एक स्ट्रांगली बुलिश कैंडल लेके क्लोज हुआ है, और ट्रेंड भी अप ट्रेंड में है, कितने अच्छी तरीके से 30 डेज़ को और 10 डेज़ ने पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हैं, ट्रेंड ऊपर की तरफ है। तो चलिए उसका लेवल भी हम देख लेते हैं, अगर ये 245 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो 240 और 232 का लेवल देख सकते हैं, और ऊपर की तरफ अगर 256 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो 260 और 270 का लेवल देख सकते हैं। और 5 स्टॉक बचे हैं, हिंद पेट्रो आप लोग देख रहे हैं और ट्रेंड अप हैं, पोजीशन बाइंग भी हैं, स्ट्रेंथ हमें कल पता चलेगा। ठीक है, तो ये भी स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, इसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, ये भी मेरे स्टार्क मार्क में है हिंद पेट्रो। चलिए उसका लेवल हम देख लेते हैं, उसका लेवल रहेगा 290 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हम 280 का लेवल देख सकते हैं नीचे की तरफ कम, लेकिन ऊपर की तरफ अगर हम 300 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो 315 का लेवल देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़। अब पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ देखिए, ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं और ये ट्रेंड अप ट्रेंड है, पोजीशन बाइंग पे है, स्ट्रेंथ हमें कल पता चलेगा, तो ये भी स्टार मार्क है मेरे लिए, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, मेरे जितने सारे पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर्स को उन्होंने फिलअप किए हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम उसका लेवल देख लेते हैं, अगर ये 1130 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हम 1125 और 1108 का लेवल देख सकते हैं, और अगर 1150 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हम 1170 का लेवल देख सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फी, अब हम इन्फी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन्फी का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है और पोजीशन अभी सेलिंग पोजीशन पे है,
लेकिन स्ट्रेंथ का पता हमें फिलहाल यहाँ पर पता चल चुके हैं, अभी ऑफ मार्केट है, फिर भी हम बता देते हैं। या फिर एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुए हैं, और फ्रेंड्स डाउन ट्रेंड में जब भी इन्वर्टेड हैमर क्रिएट होते हैं तो एक अप ट्रेंड होती है, अप ट्रेंड की शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ पर एक अवधि है, वो है रेजिस्टेंस। और इस इन्वर्टेड हैमर के क्रिएट होकर बंद होने के बाद अगर ये अगले दिन रेजिस्टेंस को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हैं तो हम ऊपर की तरफ अच्छी कुछ हाल देख सकते हैं, और बाकी सारे इंडिकेटर भी अभी अच्छी पोजीशन पे हैं। तो चलिए उसका कंडीशन यानी लेवल देख लेते हैं। अगर ये 1220 के नीचे सस्टेंस करते हैं 15 मिनट, तो हम 1215 और 1200 का लेवल देख सकते हैं, और अगर 1235 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो 1250 और 1270 का लेवल देख सकते हैं। आप देखिए डाउन ट्रेंड है, फिर भी हमने ऊपर की तरफ जो लेवल यहाँ पर मुझे मिला है स्ट्रॉन्ग मिला है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुए है, और इन्वर्टेड हैमर क्रिएट होकर बंद होने के बाद अगर ये रेजिस्टेंस को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हैं तो बेशक हम ऊपर की तरफ एक अच्छे उछाल देख सकते हैं। बस और दो स्टॉक बचे हैं, जुबिलेंट फूड। अब हम बात कर लेंगे जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड के बारे में बात करें तो अब ये साइडवे चल रहा है, एक ही ट्रेडिंग सेशन में एक ही ट्रेडिंग प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं, और जब भी ऐसा होता है तेज़ी गति से ऊपर की तरफ उछाल होती है और तेज़ी गति से नीचे की तरफ गिरावट होती है। बस अब हमें उसका और कुछ नहीं देखना है, बस हमें उसका लेवल देखना है। देखिए अगर ये 2625 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हम 2590 का लेवल देख सकते हैं, और अगर ये 2670 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हम ऊपर की तरफ 2690 और 2700 का लेवल देख सकते हैं, काफ़ी ऊपर की तरफ। लास्ट रिलायंस इंफ्रा। रिलायंस इंफ्रा के बारे में चर्चा करूं तो रिलायंस इंफ्रा अभी ट्रेंड अप ट्रेंड है, लेकिन पोजिशन सेलिंग पे है, लेकिन पोजिशन सेलिंग पे है, लेकिन हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक अवधि है, एक अवधि नहीं फ्रेंड्स, एक सपोर्ट है जो यहाँ पर पुश कर रही है ऊपर की तरफ। अगर इसको ब्रेक डाउन कर नहीं पाते हैं तो हम ऊपर की तरफ बेशक एक उछाल देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 30 डेज और रेजिस्टेंस दोनों हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उसका हम लेवल देख लेते हैं। ठीक है, उसका लेवल रहेगा 410 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो 406 और 400 का लेवल देख सकते हैं, और अगर 420 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो 425 और 432 का लेवल देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये टोटल 15 स्टॉक जो भी राय मांगे थे, जो रिक्वेस्ट किए थे, वो मैंने पेश किए हैं। आप लोगों को जो भी करना है आपकी जिम्मेदारी लेके करें और अपनी खुद की स्ट्रेटजी यूज़ करके करें। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।